तो आपका स्वागत है हमारे चैनल कोड इन इंडिया में। और आज हम देखेंगे कि पाइथन में आईडीई कैसे यूज़ करनी है। दूसरी, पहले हम पाइचम का यूज़ कर रहे थे, तो आज हम बीएससी कोड का यूज़ करके देखते हैं। तो बीएससी कोड होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, बट उससे पहले हम यहाँ पर क्रोम पर आकर सर्च करते हैं बीएससी कोड। जैसे ही सर्च करते हैं तो एक हमारे पास खुलेगी वेबसाइट, यहाँ पर देखिए बीएससी कोड है। तो बीएससी कोड पर हम जब डाउनलोड करें, जब हम क्लिक करेंगे तो बताएगा, ये देखिए मैं आपको ओवर भी देता हूँ होता क्या है। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर बीएससी कोड की जो वेबसाइट है ओपन हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ बीएससी कोड होता क्या है। बीएससी कोड होता है एक कोड एडिटर होता है। ये बिल्कुल पाइचम की तरह होता है, ठीक है, बट ये इसका ये फ़र्क है और इसका एक एडवांटेज है कि ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, तो ये एक बहुत ही अच्छा ओपन सोर्स और फ्री है। तो ये इसके देखिए ऑसम, इसके रिव्यू भी सारे बहुत अच्छे अच्छे हैं, लोग इसको बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, ये बहुत अच्छे से काम भी करता है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें जाके सिर्फ डाउनलोड कर लेना है। जब यहाँ पर हम डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है, तो हम सिर्फ यहाँ पर जाके डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें हमें करना क्या है, हमें रन करना है। जैसे हम रन के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक कोर लाइसेंस एग्रीमेंट ओपन होगा। यहाँ पर हमें करना क्या है, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए ये आ गया। यहाँ पे करना क्या है, तो ये यहाँ पे आपको सभी बॉक्सेस जो हैं वो चेक कर देने हैं। अगर आप चाहते हो कि इसका डेस्कटॉप आइकन बने तो यहाँ पर क्लिक कर देना, अगर नहीं चाहते हो तो डायरेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक करिए। नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों मेरे पास ये डाउनलोडेड है, तो मैं इसको आपको इंस्टॉल रन करके बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आते हैं अपने ट्यूटोरियल के फोल्डर पे और यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ओपन विद कोड आएगा, तो ओपन विद कोड क्यों आएगा, क्योंकि मैंने जो आपसे बॉक्सेस चेक करवाए थे ना, तो उसके कारण ही आएगा। तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं वीएस कोड में, हमें करना क्या है। तो दोस्तों हम यहाँ पर आ चुके हैं और हमें जाना कहाँ है, यहाँ पर जाना है। और जब यहाँ पर जाएंगे तो हमें यहाँ पर सर्च करना है पाइथन। तो ये नेट के स्पीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर इंस्टॉल की ऑप्शन होगी पाइथन के ऊपर, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना और आपका पाइथन डाउनलोड हो जाएगा। तो अब जब डाउनलोड हो जाएगा तो आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर हम उसी डायरेक्टरी में होंगे जो हमने अभी बनाया है। तो हम यहाँ पर जाके न्यू फाइल बना लेंगे। यहाँ पर आके हमें यहाँ पर जाना है जिससे न्यू फाइल बनेगा और यहाँ पर फोल्डर बनेगा। तो हमें न्यू फाइल पर जाना है और हमें बना लेना है vsccode.py। तो यहाँ पर हमारी पाइथन की फाइल बनके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हम अपनी कोडिंग कर सकते हैं, जैसे a=5 एंड प्रिंट a। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये आ गया, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।